IPL 2020 IPL की पहली टक्कर आज धोनी रोहित के धुरंधरों में होगा मुकाबला। कोरोना काल के बीच में शनिवार यानी आज 19 सितंबर से शुरू होने जा रही IPL क्रिकेट के उत्सव की शुरुआत IPL 13 का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा। स्टेडियम में वातावरण में 8 टीमें खेलेंगी, 53 दिनों में 60 मुकाबले होंगे। सारी दुनिया की निगाहें इस टूर्नामेंट पर होगी, इस मैदान पर भी लोगों की नजर होगी और बाहर भी नजरें होंगी। सही मायनों में ये हालात बहुत ही अजीब है जब टूर्नामेंट होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्रिकेट का इतना बड़ा टूर्नामेंट कभी नहीं खेला गया है। IPL का आयोजन एक सबसे बड़ी परीक्षा है और इस परीक्षा में कौन पास होता है ये ध्यान में रखना होगा। गर्मी को ध्यान में रखते हुए डबल हेडर 3 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच रखे गए हैं। 2 मुकाबले होंगे उस दिन। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे से दूसरा 7:30 बजे होगा। टूर्नामेंट के पहले मैच में एक बार फिर से टीमें आमने सामने होंगी। चर्चित T20 लीग की सबसे 2 सफल टीमें पिछली बार की फाइनलिस्ट मुंबई इंडियंस की चेन्नई सुपर किंग्स होंगी। दोनों टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करेंगे। रोहित शर्मा की अगुवाई में जहां मुंबई की टीम अपने रिकॉर्ड को सुधारेगी, वहीं लंबे अंतराल के साथ धोनी और CSK अपनी जीत के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। रिकॉर्ड्स की बात करें तो रोहित के द्वारा मुंबई की कप्तानी संभालने के बाद चेन्नई के खिलाफ मुंबई का पलड़ा भारी रहेगा। 4 बार की विजेता टीम 10-6 से जीतेगी। रोहित की कप्तानी के बाद मुंबई की टीम अब तक 4 बार विजेता रही है। दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है कॉमेंट करके बताएं। और आपको ये बता दें दोस्तों कि सुरेश रैना और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी यहाँ कुछ परेशानी हो सकती है।